प्रियंका चौहान। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ क्षेत्रवाद अपनाने को लेकर मुहिम छेड़ दी है। उनका कहना है कि विकास को लेकर केवल मंडी जिले को प्राथमिकता दी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का ये भी कहना है कि भाजपा सरकार के 100 दिनों की उपलब्धि मात्र ये है कि 100 दिनों में बलात्कार के 35 एवं हत्याओं के 65 मामले सामने आए हैं। प्रस्तुत है हमीरपुर से कमल कृष्ण की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तौर पर ठप हो गई है। भाजपा सत्ता काल में हत्याओं, बलात्कार और महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस सत्ता काल में राज्य में तबादला उद्योग हावी हो गया है। राज्य में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। स्थिति यह है कि अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के विकास के मामलों को लंबित किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमीरपुर में करोड़ों की परियोजनाओं को अनावश्यक तौर पर लटकाया जा रहा है। हमीरपुर जिला से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनदेखी कर रही है। हमीरपुर में कोई मंत्री नहीं बनाया गया, कोई चेयरमैन नहीं बनाया गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को, हमीरपुर जिला ने जिसने भारतीय जनता पार्टी को शुरू में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, आज उस जिला की अनदेखी की जा रही। तो कहीं दूरदर्शिता की कमी इस सरकार में नजर आती है।